पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आप कैसे एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें मैंने सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था आप कैसे एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको वीडियो केवाईसी कैसे करवाना है। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अकाउंट नंबर मिलने के बाद आपको एक किट प्रोवाइड की जाती है ब्रांच की ओर से, एक्सिस बैंक की ओर से, जिसमें आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक आपको दे दी जाती है। तो मेरे को किट मिल चुकी है और मेरा जो केवाईसी कंप्लीट हो चुका था, वीडियो केवाईसी, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को किट मिली तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मेरे को डेबिट कार्ड कैसा मिला है और क्या बोलते हैं चेकबुक कैसे मिली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको मेरा अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा और देन मेरा कस्टमर आईडी एक्सिस बैंक का, ठीक है। अब मैं इसे सिंपली अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मेरे को क्या क्या दिया गया वीडियो केवाईसी होने के बाद, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था जब तक आप वीडियो केवाईसी नहीं करोगे आपको ना डेबिट कार्ड मिलेगा, ना अकाउंट नंबर मिलेगा, ना चेकबुक मिलेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो केवाईसी पहले करवाना, उसके बाद आपको ये किट दे दी जाएगी आपका जो भी नजदीकी ब्रांच होगा, ठीक है। तो मैं इसे अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें और कुछ है देखते हैं हम, तो ये तो खाली है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये पूरा खाली है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैं एक बुक और है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये तो कोई काम की नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे भी साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हमारे हाथ में है चेक बुक, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर चेक बुक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा देता हूँ, ठीक है, क्लियर दिखा देता हूँ। इसे मैं ओपन करके ये देखिए एक्सिस बैंक का चेक बुक है जो वीडियो केवाईसी होने के बाद मिल जाता है आपको। ब्रांच में जाना पड़ता है आपका जो भी नजदीकी ब्रांच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारा चेक देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस बैंक का चेक है, ठीक है, वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको दिया जाता है। तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये इस टाइप का आपको दिया जाता है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के बाद, ठीक है, नई प्राइवेसी के तहत, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चेक बुक था, अब मैं इसे साइड में रख देता हूँ, और साइड में रखने के बाद अब हम इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा डेबिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा अकाउंट नंबर और यहाँ पर कस्टमर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो डेबिट कार्ड है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो और एक्सपायरी डेट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो वो डेबिट कार्ड नंबर आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पीछे आप देखेंगे तो ये इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड जो आपको वीडियो केवाईसी होने के बाद दे दिया जाता है। आपको ब्रांच में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको केवल किट लेने के लिए जाना पड़ता है जहां पर आपको पासबुक और चेकबुक और डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस वीडियो केवाईसी होने के बाद का। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको भी यहाँ ये डेबिट कार्ड और ये जो चेकबुक है वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो चेकबुक और ये ATM डेबिट कार्ड, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो सारा प्रोसेस मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया था, वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको ये सब कुछ दे दिया जाता है ब्रांच की ओर से। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर लिमिट वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा कस्टमर आईडी है, डेबिट कार्ड नंबर फर्स्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट, और यहाँ पर अकाउंट नंबर आप देख सकते हो, और यहाँ पर नेम ऑन डेबिट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लिमिट भी यहाँ पर आप देख सकते हो। पीछे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर कैसे क्या यूज करना है सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ मंथली बैलेंस आपको कितना मेंटेन करके रखना सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो, इतना ही था। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपको ये सब कुछ मिल जाता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने जो जो स्टेप बताए थे आपको वो आप फॉलो करते रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। डेबिट कार्ड पर आपका नाम शो नहीं होगा, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी वीडियो केवाईसी या किट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, उसका भी मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ये है डेबिट कार्ड एक्सिस बैंक का, ठीक है। सो मिलते हैं।